अस्सलाम वालेकुम। तो यार क्या चल रहा है हम सबके, मेरा नाम हमाद है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार सॉरी, आपको मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। मेरी जो है वो तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं थी, उसकी वजह से आपको वॉइस के अंदर भी चेंजिंग जो है वो नज़र आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। और सेकेंड थिंग ये कि थैंक यू सो वेरी मच 3000 सब्सक्राइबर के लिए, आप लोगों ने जो है वो ये भी माइलस्टोन अचीव करवा दिया फाइनली। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और जल्द से जल्द जो है वो 5K सब्सक्राइबर भी हिट करवा दें हमारे इस चैनल के। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार कर लो, व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और मैं जब देखता हूँ उसके अंदर एनालिटिक्स के अंदर जाकर, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों का ही फायदा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको जो है वो ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लें। खैर आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था नवंबर स्टार्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स आने वाले हैं नवंबर के इस मंथ के अंदर। तो फाइनली दो डिवाइसेस को आज लॉन्च कर दिया गया है, एक रियलमी 7 प्रो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवर प्राइस कर दी गई है। जो प्राइस निकल कर आई है वो आई है 55,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, और जो दूसरी डिवाइस है उसको भी ओवर प्राइस कर दिया गया है जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी वीवो से, वीवो V20 SE, जिसको जो है वो 46K की रेंज के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दोनों डिवाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चली गई है। मैं आपको वैलिड रीजन्स बताता हूँ कि क्यों आपने इन डिवाइस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, और इनके अल्टरनेटिव में आपको कौन सी बेस्ट डिवाइस जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगी जिनको आप जो है वो इस प्राइस रेंज के अंदर परचेज़ कर लें, तो इनसे तो कदरे बेहतर बेस्ट ही रहेंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पसंद आए तो लाइक करनी है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यार अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस की। तो सबसे पहले बात करूंगा V20 SE की, उसके बाद बात करते हैं रियलमी 7 प्रो की। तो यार V20 SE को 46 की रेंज के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। मैंने अपनी वीडियो के अंदर पहले बताया था अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो के अंदर कि इसकी अगर प्राइस 40,000 आती है तो ये जो है वो वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं से हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चली गई है। 46K की रेंज के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 665 देखने को मिल रहा है, जो कि आपको जो है वो इजीली 24-25 हज़ार के फ़ोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। 8 GB रैम है, 128 GB की जो है वो इसके अंदर स्टोरेज है। अब ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं किया गया कहीं भी कि ये UFS स्टोरेज है या EMMC है। खैर इसका जो डिस्प्ले है वो आपको टिपिकल वीवो S1 Pro आया था जो उसके जैसा देखने को मिल रहा है, 6.4 इंचज़ का। कोई इसके अंदर कमाल नहीं किया गया, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डिज़ाइन भी वैसा ही सेम है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 MP का मेन कैमरा है, और उसके अलावा इसके अंदर जो है वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, 2 MP का डेप्थ सेंसर है। उसके अलावा एक चीज़ को बढ़ा दिया गया है जो कि है फास्ट चार्जिंग। ये बिल्कुल जो सेम मोबाइल फ़ोन है वो आप जो है वो थोड़े से कम पैसों में ले सकते हैं जो कि है वीवो S1 Pro। शेप वगैरह चेंज है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा अपनी प्राइस के हिसाब से, क्योंकि वो आपको सस्ता भी देखने को मिलता है और आपने वही कंसिडर करना है, क्योंकि उसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसमें भी 48 MP का कैमरा है और उसके अंदर क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा उसके अंदर भी आपको जो है वो सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन का 665, 8 GB उसमें भी है, और 128 GB जो है वो उसके अंदर भी रोम है। तो आप वो कंसिडर कर लें, ये जो वीवो का V20 SE इसको कभी भी कंसिडर नहीं करना। हाँ इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंज है, और इसके अलावा इसके अंदर फास्ट चार्जिंग दे दी गई है 33 वाट की। भाई वो किस काम की है जब आपने बैटरी साइज़ को ही कम कर दिया। इसके अंदर बैटरी साइज़ जो है वो 4100 mAh कर दिया गया है, जबकि वीवो S1 Pro आपको जो है वो 4500 mAh की जो है वो बैटरी देता है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। जो दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं 4500 mAh की बैटरी और जो है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के, वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस डिवाइस से दूर रहो। इसकी जो है वो प्राइस कट ज़रूर होगा इसके ऊपर, 3-4 हज़ार ये जो है प्राइस कट इसके ऊपर लगने वाला है। ये आप लिख कर ले लें, अभी से लिख लें कि इसको जो है वो 42K की रेंज के अंदर कर दिया जाएगा जब ये बिकेगी नहीं, क्योंकि ओवर प्राइस है। वीवो S1 Pro ले लें अभी आपने लेना है। और अगर इसके अल्टरनेटिव में मैं आपको बेस्ट स्मार्टफोन बताऊँ तो वो है रेनो का 3, ओप्पो रेनो 3, जो कि काफ़ी मंथ पहले लॉन्च किया गया था, 5 से 6 मंथ पहले, लेकिन वो एक बेस्ट डिवाइस है 46K की। उसकी जो है वो इनवॉइस प्राइस है, डिस्काउंट के बाद आपको जो है वो इजीली देखने को मिल जाएगी 43K या 44K की, जितनी प्राइस रेंज के अंदर आप ये जो है वो V20 SE देखने को मिल रहा है। उसके अंदर आपको जो है वो 48 MP का सेम कैमरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले उसके अंदर भी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर उसके अंदर भी है, 8 GB वो भी है, 128 GB की रोम उसके अंदर भी है। उसमें जो है वो आपको 13 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है बैक की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई एंड फ़ोन के अंदर आता है। 13 MP का टेलीफोटो लेंस है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, और उसके अंदर आपको सेल्फी भी बहुत ज़्यादा जो है वो इनहेंस देखने को मिल रही है, जो कि
44 मेगापिक्सल की है, उसके अंदर 30 वॉट की चार्जिंग है, तो उसको आप आंखें बंद करके कंसिडर कर लो। उसके अंदर मीडियाटेक का हेलियो P90 है जो कि इसके बराबर का ही जो है वो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के 665 के बराबर का। तो भाई वो फ़ोन जाओ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसिडर कर लो, उसे परचेज़ कर लो, लेकिन ये जो है वो वीवो V20 SE आपने बिल्कुल भी जो है वो कंसिडर नहीं करना। बात कर लीजिए अपने नेक्स्ट फ़ोन की जो कि है Realme 7 Pro, जिसको लॉन्च किया गया है 55K की, इसकी जो है वो प्राइस कर दी गई है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूँगा ये जो है वो ओवर प्राइज्ड है। इसके अंदर एक ही चीज़ को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है कि इसके अंदर 65W की चार्जिंग है, तो भाई वो हमने इतनी ज़्यादा क्या करनी है। अगर आप जो है सिर्फ ये कंसिडर करके 65W की इसके अंदर चार्जिंग है और 55,000 रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर देते हैं स्मार्टफोन के ऊपर, तो यार मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी ये चीज़ को कंसिडर नहीं करना। आपने इस रेंज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कदरे बेहतर स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर ऑब्वियस है, और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो वही है जो रियलमी 6 प्रो के अंदर आया था स्नैपड्रैगन का 720G। अगर इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 730G भी दे देते तो भी ये जो है वो बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता था, थोड़ा बहुत वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। या इसकी मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट प्राइस होगी वो होगी 50K के नीचे ही, लेकिन इसको 55K की रेंज के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। और Realme जब 7 आएगा सिर्फ 7 जो है वो भी ओवर प्राइस कर दिया जाएगा। तो ये जो Realme 7 Pro है इसको आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, एक अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन इसके ऊपर भी प्राइस कट लग जाएगा, तो आपने इसको बाद में ही लेना है, अभी ले लेंगे। इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है पहले ही Realme की इतनी ज़्यादा, और जब आप Realme का एक स्मार्टफोन 50,000 से ऊपर ले रहे हैं और उसके बाद प्राइस कट लगती है तो बहुत बुरे तरीके से आपकी जो रीसेल वैल्यू है उसको हिट लगेगा। तो आपने क्या कंसीडर करना है इस रेंज के अंदर, अगर आपके पास 55K का बजट है आप Xiaomi का Mi Note 10 Lite ले लें जो कि बेस्ट स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन का 730G, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले उसके अंदर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर उसके अंदर भी है, उसके अलावा 64 मेगापिक्सल का कैमरा उसके अंदर भी है, या वीवो का V20 आया उसको कंसिडर कर लें। उसकी ये बात है कि वो भी ओवर प्राइज्ड है 60 की रेंज में, लेकिन उसके अंदर हर चीज़ बैलेंस्ड है, एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स है, स्नैपड्रैगन 720G यही सेम प्रोसेसर है, 44 मेगापिक्सल की उसकी फ्रंट है, सेल्फी है, और उसके अलावा बैक के ऊपर 64 मेगापिक्सल का कैमरा, उसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा आला है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट डिवाइस है, और वीवो की रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वीवो V19 आया था उसको भी ओवर प्राइज्ड ही कह रहे थे लोग, 60 की रेंज में आया था, लेकिन ये भी 60 की रेंज में आया है, लेकिन ये जब आप रीसेल करेंगे तो उसके अंदर आपके जो है वो पैसे बच जाएंगे। अगर आप Realme 7 Pro लेकर रीसेल करेंगे उसकी तो वो जो है वो काफ़ी बुरे तरीके से उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो गिरेगी। तो यार यही चीज़ मैंने आपको क्लियर आउट करवानी थी कि ये दो डिवाइस से आपने बिल्कुल बच के रहना है, इनको कंसिडर नहीं करना है। इसके जो अल्टरनेटिव में डिवाइस है वो मैंने आपको बता दी, आप क्या सोचते हैं इन डिवाइस के बारे में मुझे लाजमी आपने नीचे कमेंट करके बताना है, और कोई भी वीडियो का टॉपिक को जो सजेस्ट करना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो कर लें, इधर यूजर नेम आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।